एक जो लोकल लाइट है वो संजय टंडन है और ये शहर के लोग जानते हैं। वोकल होंगे तो सिर्फ लोकल के लिए होंगे और लोकल के लिए ही वो वोकल होंगे, किसी बहुरूपीय के लिए वो वोकल नहीं होंगे। जनता को तो जीतने की गारंटी नहीं है, हारने की क्या गारंटी दोगी? एक समय ऐसा है जो कांग्रेस का, जिसके अंदर हर महीने स्कैम 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 है। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन जी के पास, जिन्हें हाल ही में जो है भाजपा ने लोकल कैंडिडेट होते हुए चंडीगढ़ का प्रत्याशी घोषित किया है और ये बात उनके फेवर में भी जा रही है चंडीगढ़ के लिए। हालांकि कांग्रेस और आप गठबंधन के प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं मनीष तिवारी, वो भी अपने आप को जो है लोकल कैंडिडेट बता रहे हैं। आइए हम संजय टंडन जी से ही जानते हैं कि क्या उनके ऊपर लोकल प्रत्याशी हम मानना चाहेंगे। ये तो चंडीगढ़ की जनता जानती है कि लोकल प्रत्याशी कौन है, कैसे है और क्यों है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आदमी को अपनी कर्म भूमि से दूसरी भूमि पे जाने के लिए आपको मौका मिलता है, तो कुछ लोग वो मौके को पकड़ के उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मौके जब आते हैं तो आपको ये निर्णय करना पड़ता है कि क्या ये सही है। मैं जब 2009 में हमने भी जब अपनी पार्टी के आगे अपना क्लेम रखा था तो पार्टी ने हमें नहीं हमारे को प्रत्याशी बनाया, लेकिन हम पार्टी का, संगठन का, यहाँ पे लोगों का, चंडीगढ़ के विषयों का हम काम करते रहे। इसी तरीके से 2014 में हुआ, नहीं भी टिकट मिली, बिना किसी आँच के, बिना किसी मन मुटाव के हम पार्टी का काम करते रहे। इसी तरीके से 2019 में जब हमारे को नई पार्टी ने मौका दिया और बिना अपनी मुस्कुराहट को खोए हुए हमने पार्टी का काम, हमने अपनी बड़ी बहन का काम, हमने अपना काम समझकर किया। लेकिन उसके बावजूद भी 19 के बाद भी हमने जो ये मौका मिला कि पार्टी के काम के लिए, जनता के काम के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। आज ये तो दूसरे लोगों को ये जवाब देना है कि उनका पिछले 20 बरस उनके कहाँ बीते हैं, कैसे बीते हैं, उनके परिवारजन वो कहाँ पे हैं, कहाँ सेटल्ड हैं, क्या उनकी रोज़ दिनचर्या क्या है। आज चंडीगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है मेरी रोज़ की दिनचर्या क्या है, मैं रोज़ कितने लोगों से मिलता हूँ, मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, मेरी असेसिबिलिटी क्या है, मेरी टेलीफोन की का सुनना वो कितना है, मेरी बैक कॉल करना वो कितना है, मेरा लोगों के कार्यक्रम में शामिल होना वो कितना है, मेरा लोगों के सुख दुख में शामिल होना वो कितना है। ये सब चीज़ चंडीगढ़ के लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं और मुझे मालूम है कि वो जो वोकल होंगे तो सिर्फ लोकल के लिए होंगे और लोकल के लिए ही वो वोकल होंगे, किसी बहुरूपीय के लिए वो वोकल नहीं होंगे। मनीष तिवारी का कहना है कि ये लोकसभा का चुनाव है और इसके अंदर प्रधानमंत्री को चुनना है, पूरा देश मतलब उसी तरफ जा रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो चुनाव है ये चुनाव देश का चुनाव है। आपने पार्लियामेंट को चुनना है, पार्लियामेंट के माध्यम से आपने प्रधानमंत्री को चुनना है। और जहाँ देश के बारे में बात होती है तो पूरी दुनिया में इस चीज़ के बारे में काफ़ी क्लैरिटी है कि सरकार तो बीजेपी की ही आ रही है और प्रधानमंत्री तो मोदी जी ने ही बनना है। तो यूनियन टेरिटरी होने के नाते चंडीगढ़ कभी डिफरेंट नहीं होता। जिसकी दिल्ली में सरकार होती है उसी का ही एमपी चंडीगढ़ से होता है। इसलिए मुझे ये यकीन है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने के नाते एमएचए के द्वारा ही सब चंडीगढ़ के काम जो है वो पढ़ते हैं, तो उनका काम कराने के लिए हमेशा लोग यहाँ से चंडीगढ़ का जो है वही कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। आप पिछले 20 वर्ष इस चीज़ के गवाह हैं।
संजय टंडन ने जो है चुनाव के संगठन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और भाजपा को काफी आगे चंडीगढ़ में बढ़ाया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये चुनाव आपके लिए एक पहला चुनाव होगा जिसमें आप उतरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं मनीष तिवारी, वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव लगातार लड़ते रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति का उसका किरदार क्या है, ये उसके किरदार की ये लोग पहचान करते हैं। वो कहाँ से एक बार लड़े, वहाँ से दूसरी बार क्यों नहीं लड़े, उनकी आंसरेबिलिटी उस वहाँ के लोगों के लिए क्या थी, लोगों के क्वेश्चंस क्या थे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, आपने क्या प्रॉमिसेस किए थे लोगों को, क्या प्रॉमिसेस डिलीवर नहीं किए तब आपको दूसरी जगह जाना पड़ा, ये सवाल लोग पूछेंगे। यहाँ पर वो लोग ये पूछेंगे कि भाई साहब, आप अलग अलग से जगह से लड़ के आप यहाँ पर आए हैं, क्या गारंटी है कि आप यहाँ पर रहेंगे, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप नहीं भी जीतते तो आप क्या जनता की सेवा करने के लिए आप चंडीगढ़ में रहेंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है? जनता को तो जीतने की गारंटी नहीं है, हारने की क्या गारंटी दोगे? हम तो बिना लड़े हुए, हमारे किरदार ने ये गारंटी दी है और हमने करके दिखाया। टंडन साहब, बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं चंडीगढ़ के जो कि स्थानीय मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है लोकसभा का चुनाव है, लोग राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ज्यादा मुखर रहेंगे या कि स्थानीय मुद्दों को जो है तरजीह देंगे? जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इट इज़ बट नेचुरल के जो है देश के मुद्दों ही उस चुनाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपने चुनना है प्रधानमंत्री, आपने चुननी है पार्लियामेंट, तो मुद्दे क्या होंगे कि देश कैसा हो, देश की नीति कैसी हो, देश की पोजीशन दुनिया में कैसी हो, देश के लिए वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा हो, डिफेंस सिस्टम कैसा हो, बजट कैसा हो, आपका ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो, आप उस दृष्टि से आप अपनी सरकार को चुनते हैं। जब उस दृष्टि से आप सरकार को चुनते हैं तो मोदी जी के 10 साल और कांग्रेस के 10 साल, ये दोनों 10 साल एक खुली किताब की तरह आप सबके सामने हैं। एक समय ऐसा है जो कांग्रेस का, जिसके अंदर हर महीने स्कैम 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 है, एक जो कार्यकाल 10 वर्ष का मोदी जी का है जिसमें हर महीने स्कीम 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 है। ये स्कैम से जो स्कीम का जो रास्ता जो कवर हुआ है, आज जनता इसको समझती है। कहीं पे सिर्फ परिवारवाद है, एक परिवार के को खुश रखने के लिए पूरी सरकार काम करती है, चाहे परिवार का बच्चा किसी जगह पे रिस्पॉन्सिबल भी है, जवाबदेही भी है कि नहीं, लेकिन उसको खुश करने के लिए सरकार काम करती है। और दूसरी तरफ है कि परिवारवाद का नाम ही नहीं है। कोई हमारे प्रधानमंत्री जी किसी अपने परिवार के साथी के लिए, उसके लिए नहीं कुछ काम कर रहे, वो काम कर रहे हैं तो गरीब व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो युवा के लिए कर रहे हैं, नारी शक्ति के लिए कर रहे हैं, किसान के लिए कर रहे हैं, अन्नदाता के लिए कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका ही डिफरेंट है। उनका काम करने का कोई परिवारवाद तुष्टिकरण की राजनीति से दूर होकर आप गरीब युवा अन्नदाता और नारी, ये ज्ञान शब्द उन्होंने दिया है कि हम इनके लिए काम करेंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो भी आया है उसके अंदर हमने इसी चीज को दर्शाया। कांग्रेस में टिकट घोषित होने के बाद चंडीगढ़ का एक घमासान सा शुरू हो गया, कई लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की तो कुछ स्थितियां भाजपा में भी इस तरह की पहले रही हैं। आपने जो है स्थानीय नेता सतिंदर जी को जो है मनाया, तो आप क्या सतपाल जैन जी, जो जिनको कि अलग खेमे का माना जाता है, उनके पास उनको मनाने के लिए इस चुनाव में, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, क्या जाएंगे आप? मैं जो जिस वक्त घोषणा हुई, मैं सबसे पहले मैंने मंदिर में जाकर माथा टेका, फिर गुरुद्वारा साहब में जाकर माथा टेका, और उसके उपरांत मैं किरण जी के घर गया, उनसे मिला, उसके उपरांत मैं सतपाल जी के घर गया, मैं उनसे मिला, उसके उपरांत मैंने अपने जो पूर्व अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, श्री यशपाल महाजन, श्रीमती कमला शर्मा,
मैं उनके घर गया, फिर मैं अपने जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं मैं उनके घर गया, फिर मैं अरुण सूद जी के साथ दो कार्यक्रमों के अंदर मैं वहाँ पर सम्मिलित हुआ। मैं किसी भी व्यक्ति जिसके बारे में वो मुझे पता लगता है, चाहे वो कोई पद पे है या नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता है, वो मेरे लिए शिरोधार्य है, मैं उसको पलकों पे बिठा के काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरा कार्यकर्ता इस चीज़ को जानता है कि संजय टंडन हमारे लिए अवेलेबल है, जब चाहे हम उसको मिल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, अपने काम के लिए उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी यूएसपी संजय टंडन की यही है, जो हार्डकोर एक जो लोकल लाइट है वो संजय टंडन है, और ये शहर के लोग जानते हैं। और मैं इतना उनसे वायदा करता हूँ कि मेरे जीवन काल का पल पल चंडीगढ़ वासियों की सेवा में ही बीतेगा। भाजपा ने लोगों की डिमांड देखते हुए लोकल प्रत्याशी घोषित किया है यहाँ से, तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे व्यापारियों के मुद्दे हैं, उद्योगपतियों के मुद्दे हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स का मुद्दा है आजकल, तो ये मुद्दे लगातार भाजपा जो है अपने मैनिफेस्टोस में डालती रही है, लेकिन वो मैनिफेस्टो में कभी भी पूरे नहीं हुए। तो क्या आश्वासन जो है इस वर्ग को आप देते हैं कि आगे इनके लगातार काफ़ी देर से चले आ रहे मुद्दों का जल्द हल निकलेगा? सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के अगले 5 साल एक सुनहरी अध्याय बनने जा रहे हैं। द गोल्डन टाइम ऑफ चंडीगढ़ इज़ अबाउट टू बिगिन, एंड मेरी ये गारंटी है कि लोगों को कि मैं जितने ऐसे मुद्दे जो पेंडिंग रहे हैं, जिसका एक मुख्य कारण है उनकी पेंडेंसी का, वो ये कारण है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो 3 वर्ष से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी की एज नहीं है, चाहे पंजाब से आते हैं, चाहे हरियाणा से, चाहे यूटी जो है उनके कार्डर से आते हैं, उसकी वजह से जब काम कराने के लिए वो फाइल को MHA में भेज देते हैं, तो एक उसके में कॉन्टीन्यूटी जो है उसको कैसे बनाई जाए और उनको सामने टेबल के ऊपर बैठ के उस चीज़ का निर्णय किया जा सके। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ में सामने बैठ के उन चीज़ों का निर्णय कराने की आवश्यकता है, ताकि उसके अंदर जो डिले हो रही है उसको ख़त्म किया जा सके। वर्तमान सांसद जो है किरण खेर, उनको एक रोष लोगों का ये झेलना पड़ा कि वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं थी, स्थानीय तौर पर अवेलेबल नहीं रहती थी, जिसकी वजह से काफ़ी काम रुके रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किरण जी के कार्यकाल में जो पिछले 10 साल में चंडीगढ़ के जो काम हुए हैं वो भी बड़े स्मरणीय काम हैं। जहाँ उनकी जो थोड़ी सेहत की उनको मुश्किल हुई, तो उन्होंने पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ सकती, तो उसके बाद पार्टी ने ये निर्णय किया और मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया है। जहाँ तक उनके कार्यकाल का संबंध है, आप इस कार्यकाल में आप देखेंगे कि चंडीगढ़ ने कई बुलंदियाँ हासिल करी। चंडीगढ़ जो है हमारी 9% हमारा ग्रीन कवर चंडीगढ़ का बढ़ा, सोलर के अंदर सबसे ज़्यादा यूटी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ सोलर जो यूनिट्स है वो चंडीगढ़ से होती है। यहाँ पे बर्ड पार्क एक ऐसा बना जो शायद सिंगापुर जैसा एक बर्ड पार्क यहाँ पर बना, जो आज लोग हज़ारों लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन ऐसा बन रहा है जिसको कहा जा रहा है कि पॉसिबली शायद एशिया का सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन वो यहाँ पर बनेगा, जिसमें मॉल भी होगी, जिसके अंदर पिक्चर थिएटर भी होगा, जिसके अंदर होटल भी होगा, और वहाँ पे इसके माध्यम से चंडीगढ़ एक बड़ा सेंटर बनके वो उभरेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास साइकिल ट्रैक जो है 300 किलोमीटर के करीब साइकिल ट्रैक हैं। कमांड सेंटर के तौर के ऊपर आज चंडीगढ़ में 2200 के करीब हमारे यहाँ पर वो लगे हुए हैं, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उसके माध्यम से यहाँ चाहे ट्रैफिक है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, उसके कंट्रोल के लिए हमारे जो चंडीगढ़ है उसकी मुस्तैदी सबसे अधिक है। चंडीगढ़ के अंदर सड़कों का जाल जो है वो पॉसिबली सबसे बेहतर है। अब इसकी सड़कों के जाल को और उसको सुदृढ़ कैसे किया जा सके उसके लिए काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो पहाड़ था जो डड्डू माजरा में, वो पहाड़ भी अब समाप्त हो रहा है। बहुत जल्द वहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे होंगे, ऐसा भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ के अंदर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस पीरियड में आई, चंडीगढ़ के अंदर नई
खेल की नीति आई जिसका मैं चेयरमैन था। आज चंडीगढ़ में खिलाड़ियों के लिए इतनी सुविधा है कि जो हरियाणा में जो अवार्ड्स हैं खिलाड़ियों के लिए, उतने ही अवार्ड्स आज चंडीगढ़ में हैं, जितने पंजाब में हैं उतने ही आज चंडीगढ़ में हैं। पहले हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए दूसरी स्टेट्स के अंदर जाते थे क्योंकि वहाँ अवार्ड ज़्यादा मिलता था। आज हमारे खिलाड़ी जो हैं वो चंडीगढ़ से ही खेलते हैं, और अभी अभी हुई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप और अभी अभी हुई स्केटिंग चैम्पियनशिप इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मैं आपके सामने इन चीज़ों को, कम से कम 50 और ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको व्याख्यान कर सकता हूँ, लेकिन मुद्दा ये कहने का है कि इन कंटिन्यूटी जो है ये चीज़ चल रही। अब आने वाले समय में हम किस तरीके से जल्द मेट्रो को लेके आते हैं या मोनो रेल को लेके आते हैं, मेरी सबसे बड़ी इस चीज़ के लिए एक हमारी जो प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ पे एक अल्टरनेट वे ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इसको दर्शा पाएँ, दिखा पाएँ और इसको चालू कर पाएँ, ये मेरी एक सबसे बड़ी जो है प्रयास इसके अंदर होगा। हम यहाँ के जो सोलर है इसको आज यूटीज में नंबर वन पे है, मैं चंडीगढ़ को इंडिया में नंबर वन कैसे कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा कि हम सोलर के अंदर इंडिया में नंबर वन हो सके। मेरा ये प्रयास रहेगा कि चंडीगढ़ की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करना, जिस तरीके से किरण जी ने काम किया है उसी तरीके से काम को और आगे बढ़ाते हुए इसमें संपर्क और बढ़ा के और केंद्र और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की दूरी जो है उसको दूर करना हो। कांग्रेस आप गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मनीष तिवारी, उनको आप किस तरह से लेते हैं, कमजोर प्रत्याशी मानते हैं या कि मजबूत प्रत्याशी यहाँ से मानते हैं? मनीष तिवारी जी आए हैं चंडीगढ़ में, पहुँचने पर उनका स्वागत है, लेकिन ये तो अब जनता एक इसका निर्णय करेगी। मुझे पूरा यकीन है और हम लोग ये एक बड़े मार्जिन के साथ चंडीगढ़ की सीट जीतेंगे और मोदी जी की झोली में डालेंगे। एक अंतिम सवाल टंडन जी, कि कांग्रेस और आपने जो गठबंधन किया है यहाँ पे, और बीजेपी और अकाली जो कि एक ऑलरेडी गठबंधन होता रहा है पहले, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि इस बार गठबंधन नहीं है आपका? देखिए कि ये जो इंडी अलायंस है जिसको घमंडिया अलायंस कहते हैं, मेरे को बड़ी हैरानी होती है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं चंडीगढ़ के स्ट्रक्चर को, जो लोग नहीं जानते शायद उनको ना पता हो, एक नवा ग्राम है, उसके साथ ही लगता खुड्डा अली शेर है, उनकी गलियां ऐसे एक दूसरे के साथ मिलती हैं। नवे ग्राम के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और खुड्डा अली शेर में वो कह रहे हैं कि हम दोनों इकट्ठे हैं, इधर किसी भाई का घर इधर है, सामने दूसरे भाई का घर इधर है, ये किस तरीके से होगा? आप समझ सकते हैं जनता परेशान होगी कि आप इधर इकट्ठे हैं और इधर आपका क्या है, क्या मंशा है कि जिसकी वजह से आपने विचारधारा के बिना भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है, क्या वो मंशा है कि आपने अभी 2 साल तक आप एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आपने सडनली एक दूसरे के साथ आपने जफ्फी डाल ली है, वो क्या कारण है कि कभी आप बोलते थे कि ये दो व्यक्तियों का अलायंस है और कभी आप बोलते थे कि ये सिर्फ एक मेयरशिप के लिए अलायंस है, कभी आप बोलते थे कि ये लोकसभा के लिए अलायंस है, वो अलायंस आपका पंजाब में क्यों नहीं है? पंजाब में लोग उसको डिफरेंट धारणा के साथ देखते हैं, यहाँ पे वो डिफरेंट धारणा के साथ देखते हैं। नीतीश कुमार जी आपको छोड़ के ही चले गए, अलायंस वहीं पे ही समाप्त हो गई, जो टीएमसी ने वहीं पे घोषणा कर दी कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम अपना चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे, जो केजरीवाल जी ने कहा कि पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग अलायंस में लड़ेंगे, दिल्ली में हम लोग अलायंस में लड़ेंगे, ये किस तरह की अलायंस है जनता पूछती है। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं ना, ये देश का संचालन नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ थे चंडीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और दिग्गज नेता संजय टंडन, जिनका कहना है कि गठबंधन इंडी अलायंस का जो हुआ है वो मौका प्रस्त गठबंधन है और भाजपा बड़ी मजबूती से लोकसभा का चुनाव यहाँ पे लड़ रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है और ये जीत सीट जीतकर जो है मोदी जी की झोली में जो है 400 पार के नारे के तहत डालेंगे।
साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए, कैमरामैन राकेश के साथ।